दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब एक तरफ बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया ने चश्मा पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया था। अब अमित कटारिया दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, दिल्ली में, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का बुलावा आया है। जी हां, बस्तर जिले में पदस्थ आईएएस अधिकारी अमित कटारिया दिल्ली की उड़ान भरने वाले हैं। इसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पर की एक पोस्ट में दी है। बतौर कलेक्टर कटारिया जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। 2004 बैच के आईएएस अफसर कटारिया 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ विजिट के दौरान आगवानी करते समय काला चश्मा लगाकर सुर्खियों में आए थे। हालांकि अपनी ईमानदारी और तुनक मिजाजी के कारण पहले भी चर्चित रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर बैंक में लाइन लगाकर नोट बदलवाने की फोटो शेयर की थी। बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें देश विदेश की नामी गिरामी कंपनियों से लाखों के पैकेज पर नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन वे आईएएस बनना चाहते थे, इसीलिए सभी ऑफर ठुकरा दिए। उनके परिवार का दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट का कारोबार है। आपको बता दें, अमित कटारिया की इमेज एक सख्त और दबंग एडमिनिस्ट्रेटर की रही है। वे जहां भी कलेक्टर रहे हैं, वहां का कामकाज हमेशा चुस्त दुरुस्त रहा है। सरकार जहां भी परेशान हुई, कटारिया को हमेशा वहां भेजा गया और उन्होंने हमेशा सरकार को मुसीबत से निकाला। काम के दौरान में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते, सामने सरकार हो या नेता, उसे आड़े हाथों लेते रहे हैं। कटारिया 2010 में रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ थे। उस समय उन्होंने जो भी काम किया, उसका लोहा आज भी लोग मानते हैं। 2013 में कटारिया रायगढ़ के कलेक्टर थे, वहां भी उन्होंने बेहद पसंद किया जा रहा था। कटारिया जब रायगढ़ कलेक्टर थे, तब उनका ट्रांसफर रोकने के लिए जुलाई 2011 में रायगढ़ की जनता ने आंदोलन किया था। तब कटारिया वहां के कलेक्टर थे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल को उन्होंने अपने ऑफिस से डांटते हुए गेट आउट कहकर भगा दिया था। रायपुर निगम आयुक्त रहने के दौरान स्टेशन चौक और तेली बांधा की सड़कों पर जबरदस्त काम हुआ था। हालांकि वो प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने की तैयारी में जुटे हैं, जो अब पूरी हो गई है। हाल ही में उन्हें सर्व शिक्षा अभियान से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया था। उन्हें बिना विभाग के विशेष सचिव के पद पर पदस्थ किया गया था। बस्तर कलेक्टर रहे अमित कटारिया का करीब महीने भर पहले ही तबादला किया गया था। अब उनको दिल्ली से कभी भी बुलावा आ सकता है। इसी वजह से मंत्रालय में पदस्थ होने के बावजूद उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।